ये लिखा सलाम अलैहि। तो ये हम रोज़े मुबारक पर पहुँच गए हैं, बिल्कुल ही करीब हैं हम। अब हम अंदर जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, फिर आप लोग को बताएंगे आगे की सूरत हाल। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं ठीक। मैं इस टाइम घर पे नहा के तैयार हो गया हूँ, और ये मेरी शहज़ादी हैं, ये जो उठी हैं अभी शाम के टाइम, मुझे बोल रही है बाबा रुक जाओ, नहीं जाओ, मैं जाना है एक जनाब सलामुल्लाह के रोज़े पे, वहाँ जाके आप लोग को रोज़ा मुबारक दिखाता हूँ। तो फिर हम आपसे आगे चल के बात करते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम, ये मैं इस टाइम देखें ये तरबिया पे खड़ा हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा होगा एक मुजस्सर टाइप का बना हुआ है, ये तरबिया है। और ये जो है मैं भी आप लोग को फिर से सही से दिखाता हूँ, पर झंडा आपको नज़र आ रहा होगा। वो आपको झंडा नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ बैक साइड करके। तो ये तरबिया पे आप बाबे किबला मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से सीधा आएंगे ना, मरकजिया, मरकजिया के बाद तरबिया आएंगे, तरबिया के बाद ये रोड आपने सीधा जाना है। सीधा जाएंगे तो जनाब हुर सलामुल्लाह अलैह का रोज़ा मुबारक आएगा। तो यहाँ से पैदल भी आप जाएँ तो 20 मिनट लगते हैं आपको, ठीक है? मैं आप लोग को आगे चल के और दिखाता हूँ, और दिखा के बताता हूँ मैं। अच्छा देखें, एक रास्ता तो मैंने आपको बाबे किबला से सीधा जाके मरकजिया, मरकजिया से आगे जाके शायद तरबिया, तरबिया से मैंने कहा था सीधे हाथ पे सीधे सीधे जाना, ठीक है? एक रास्ता तो मैंने वो बताया आपको पहले। दूसरा रास्ता मैं आपको और शॉर्टकट बता देता हूँ, ये है मुखैम, खेमे का जिसे कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि जो रहायश गुजार है यहाँ पर, ये वो जगह है मुखैम, ठीक है? मुखैम के साथ ही ये शारा शहीद अहमद ज़ैनी के नाम से, ठीक है? अब यहाँ इस तरफ हम कहते हैं तो यहाँ पे है पाकिस्तानी हुसैनिया, वो आपको होटल नज़र आ रहा होगा फंदक 11 मुखैम, ये होटल, ये इसी रोड से ना बिल्कुल सीधे जाना है, बिल्कुल सीधे सीधे जाएंगे तो मेन रोड आ जाएगा, ठीक है? जहाँ गाड़ियाँ चल रही है इस रोड से सीधे जाएंगे, फिर सीधे हाथ पे आपको सीधे जाना है जनाब का रोज़ा मुबारक आ जाएगा। बिल्कुल आसान रास्ता बता रहा हूँ मैं, ये मुखैम, ठीक है? खेमे का, ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक, ठीक है? ये तिल्ला ज़ैनबिया का जगह बन रही है अभी यहाँ पर, बहुत बहुत बड़ी, ये मुखैम। और ये जो है बहुत खूबसूरत रोड है, ये अंदर आप लोग ने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा ये। और ये वाला रास्ता सीधा सीधा आपने जाना है तो सीधे जाके मेन रोड आएगा, मेन रोड में जाके इसी रोड पे खड़े होकर सीधे आपने मुड़ना है, सीधे सीधे जाना, फिर जनाब हुर अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक आ जाएगा। तो देखें, ये मैं अपनी साइकिल पर हूँ, तो ये देखें ये सीधा रोड जा रहा हूँ मैं साइकिल पर। यहाँ पे इस जगह पे मॉल भी काफ़ी ज़्यादा हैं, थोड़ा सा आगे हम पहुंचने वाले हैं जनाब अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक, इसी रोड पे आगे जाकर है, ठीक है? ये मैं रात के टाइम हूँ, मगरिब का अजान हो रही है, अजान का टाइम हो गया है, अजानों की आवाज़ें आ रही हैं, मैं वहाँ पहुंच के मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगा। ये रोड सीधे सीधे जाना है, ठीक है? साइकिल बहुत अच्छी है यहाँ पर चलाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में मोटरसाइकिल चलाई एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर तो मैंने बहुत ज़्यादा देखे, तो इसलिए साइकिल बहुत ज़बरदस्त, ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलेगी बंदे। तो जी देखें, आप लोग जब सीधे सीधे आएंगे ना बाबे किबला से, मौला हुसैन से सीधे सीधे आएंगे शायद तरबिये से आते आते, तो फिर आगे आके देखें ये मदारिस अलवार, ठीक है? ये मदरसा है, मतलब स्कूल है ये अतवा हुसैनिया वालों का, बहुत अच्छा स्कूल है, ठीक है? उसी के साथ ही ये हॉस्पिटल है, ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल अभी भी बना है, ये देखें मौसात अलवारी दवारी इलाज अलवराम, ये भी अतबा हुसैनिया का हॉस्पिटल है जो अभी भी नया बना है, 2022 में बना है ये। ये मैंने सुना है कि क्या लिखा हुआ, कैंसर हॉस्पिटल है, इलाज अलवराम कैंसर हॉस्पिटल है, ये अभी बना है ये 2022 में। इसमें काफ़ी पाकिस्तानी भी हैं और इराकी भी हैं, सोरियन भी है, और
तो वो टर्किश भी है, काफ़ी लोग हैं। तो ये हॉस्पिटल यहाँ पे और ये जो है मदरसा है ये। तो ये रोड आप लोग सीधे सीधे आना है और सीधे सीधे जाना है आपने आगे, थोड़ा सा आगे, इससे थोड़ा सा आगे। यहाँ से मैं मेरी साइकिल पे मुझे अभी 3 से 4 मिनट लगेंगे या हो सकता है 5 मिनट लगे। और पैदल आपको टोटल ही मौलाना हुसैन अलैहिस्सलाम की रोज़ा मुबारक से, अगर आप लोग जवान लड़के आएंगे तो 45 मिनट लगेंगे, फैमिली आएंगी तो 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। अभी झूठ बोलने की बात नहीं है, ये सफ़र है, आगे मैं चल के आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये हम पहुँच चुके हैं जनाब सलामुल्लाह के रोज़े मुबारक के पास। अब हम अंदर जाएंगे, बाहर से बनाएंगे वीडियो, ये देखेंगे लिखा हुआ सामने मरकज अनहोर, और इस तरफ जाएंगे तो बगदाद जाने का रास्ता। ये रोज़ा मुबारक है जनाब सलामुल्लाह का, सलाम अलैकुम या नासिर हुसैन, ठीक है। और ये लिखा सलाम अलैकुम अलरियाही। तो ये हम रोज़े मुबारक पर पहुँच गए हैं, बिल्कुल ही करीब हैं हम। अब हम अंदर जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, फिर आप लोग को बताएंगे आगे की सूरत हाल। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें। तो जी अस्सलाम वालेकुम, ये जनाब सलामुल्लाह अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है और हम इस टाइम जनाब अलैहिस्सलाम के सलामुल्लाह अलैह के रोज़ा मुबारक पर हैं। ये खूबसूरत मंजर है, हम इस टाइम आज अप्रैल की आखिरी 30 तारीख है और कल पहली है, तो 2023 से हम यहीं पर हैं आप लोग की खिदमत में। इंशाल्लाह कर्बला इराक़ में हम कर्बला इराक़ में आप लोग की खिदमत से देखें खूबसूरत मंजर। अभी मैं बाहर की तरफ भी आप लोग को दिखाता हूँ, बाहर भी काफ़ी काम हुआ। ये ज़री मुबारक है और ये इस तरफ लेडीज साहब अच्छे से हम पेड़े आते थे ना, इस गेट से आते थे बाबा कबला, ठीक है। अब हम बेक साइड से आए, ये बेक साइड से हम आए और माशाल्लाह अंदर का तो बहुत खूबसूरत निज़ाम बना हुआ, बहुत ही खूबसूरत। काफ़ी दफ़ा हम आए, पैदल आ सकते हैं अपने घर से, हमारे घर बाबा कबला मौला हुसैन पे है तो वहाँ से हम लोग पैदल ही आ सकते हैं। ये खूबसूरत मंजर है, सारे नमाजी नमाज़ पढ़ लें। तो बाहर भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, काम चल रहा है इसका। ये जनाब है सलामुल्लाह अलैह शहीद रिहाई रज़ी अल्लाह ताला लिखा है, कहीं जगह पर अलैहि सलाम, कहीं जगह सलामुल्लाह अलैह रहमतुल्लाह अलैह, हर कुछ कह सकते हैं, सारे अच्छे कलमात हैं, ठीक है। तो आप सब भी ज़्यारत करें और अल्लाह पाक आप सबको यहाँ आने की तौफीक दे, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आप लोग भी यहाँ पर आएँ, ज़्यारत करें। तो ये बाहर की साइड आ गए हम, बाबे किबला नहीं है, ये बैक साइड है जनाब सलामुल्लाह अलैह की। और अभी नमाज के टाइम काफ़ी लोगों का रश था यहाँ पे, नमाज ख़त्म हो गई, लोग चले गए इस तरफ बैक साइड पे, राइट साइड पे, चारों तरफ जो है काम हो रहा है इस टाइम। ये मैं आप लोग को दिखाऊँ, ये लिखा देखे मेरे पीछे जनाब अस्सलाम वालेकुम या हो इब्ने यजीद रिहाई लिखा हुआ है मेरे पीछे, आप लोग को नज़र आ रहा होगा। ये खूबसूरत मंजर है जनाब सलामुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक का। ऊपर आपको चाँद भी दिखाता हूँ, ये देखें, ये ऊपर चाँद है और ये गुम्बद है, मीनार है, पीछे गुम्बद भी आप लोग को दिखाता हूँ मैं। और ये इस तरफ देखें, ये इस तरफ भी काम हो रहा है और ये हम इस तरफ चलते हैं, यहाँ पर भी काम हो रहा है, ये देखें मैं आप लोग को दिखाता हूँ, चारों तरफ काम हो रहा है इस टाइम। यहाँ पे आप लोग आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जो मेरी वीडियो देख रहा है यहाँ पे अपना पैसा लगाएं ऐसी जगहों पे, तो आप लोग को सवाब मिलेगा। ये पूरा माशाल्लाह देखें अभी काम चल रहा है, तो आप लोग से सबसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आए, आप लोग इन्वेस्ट करें तो इंशाल्लाह ताला सलाम अलैकुम, तो आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो आप लोग को सवाब मिलेगा। ये बाहर हम आ गए, मार्केट है, ये देखें, ये इस तरफ हम आ गए, ये इस तरफ काम हो रहा है और लोगों ने यहाँ पे दुआएं लगाई है, अल्लाह ताला शुक्र अजीज जनाब हो, काफ़ी चीज़ें लेडीज़ की जगह। और ये मार्केट है देखें, छोटा
छोटी सी ये मार्केट है अंदर, क्योंकि बंद बंद साइड है ये, और यहाँ पे जो एक घर हैं इस तरफ यहाँ पे घर हैं। तो ये एक आबादी वाली जगह पे जनाब हुजूर सलाम का रोज़ा मुबारक है। और ये मेरी साइकिल है, तो हम अपनी साइकिल पे, बैटरी वाली साइकिल है, सेम मोटरसाइकिल 30-40 की स्पीड में चलती है, बहुत अच्छी, इससे ज़्यादा नहीं जाती, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम आपसे आगे चल के मिलते हैं। तो ये हम अब बाहर की तरफ निकल गए, आगे जा रहे हैं, आगे भी दिखाते हैं आप लोग को ये मार्केट है। हम रोज़ा मुबारक है, काम चल रहा है बाबा सिद्दा की तरफ भी, बैक साइड पर भी। तो यहाँ पे आप लोग जब काम करेंगे ना, अपना हिस्सा डालेंगे, तो आप लोग को बहुत सवाब मिलेगा। तो ये रोज़ा मुबारक है, फिर हम आप लोग से अगली वीडियो में मिलते हैं कहीं ना कहीं। अल्लाह हाफिज़।